Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? You are fine and safe. Okay class, आज आपकी उर्दू की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सैयदा सादिया. Okay, इससे पहले हम लोगों ने चैप्टर बाघ की सैर का वर्क किया था. ठीक है, MCQs करवाए थे मैंने आपको बुक में, सबकी कॉपी में हो गए. बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपको मैंने अपनी कॉपी में वर्क करने कहा था. सबके कंप्लीट हो चुके हैं ना जी. चलिए हम बुक ओपन करें, पेज नंबर 123. जी क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 123. ठीक है, पेज नंबर 123 पे क्या है? सबसे पहले नमाजों के नाम, जो मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ कॉपी में. ठीक है, इसको अगेन यहाँ कर लीजिएगा. नमाजों के नाम लिखिए और याद कीजिए. फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्या है? सोचिए और लिखिए, यानी आपको सोच के लिखना है कि इस ब्लैंक्स में क्या आएगा. आसमान पर बादल डैश की तरह लग रहे थे. आसमान पर बादल किसकी तरह लगते हैं जी? रुई की तरह भी लगते हैं, धुएं की तरह भी लगते हैं. आपका जो दिल चाहे वो लिख लें. ठीक है, रुई में रुई लिख रही हूँ. आसमान पर बादल रुई की तरह लग रहे थे. नंबर टू है, रात को तारे डैश की तरह लगते हैं. जी तारे देखे ना आपने आसमान पर, किसकी तरह लगते हैं? जुगनू की तरह. जुगनू देखा है आप लोगों ने, ऐसे ही चमकता रहता है जैसे तारे चमकते हैं. तो रात को तारे जुगनू की तरह लगते हैं. नंबर थ्री, बिल्ली की आंखें डैश की तरह चमकती हैं. बिल्ली की आंखें किसकी तरह चमकती हैं? मोती की तरह. बिल्ली की आंखें मोती की तरह चमकती हैं. ओके, ये थी आपकी ब्लैंक्स. क्वेश्चन आंसर तो मैं आपको करवा चुकी हूँ. क्वेश्चन आंसर MCQs आपके कॉपी में हो चुके हैं. अब हम कॉपी वर्क करेंगे, अपनी कॉपी रेडी कर लें और पेज नंबर 124 पे देखिए हम. जी क्लास, ओपन योर बुक पेज नंबर 124. इधर देखें, ऊपर लिखा हुआ है जुमले बनाइए. इन अल्फाज के जुमले बनाइए. बाग, छुट्टी, आराम, सामान, दोस्ती, मगरिब. ये वर्ड्स हैं, आपको अपनी कॉपी में इसके सेंटेंस बनाना है. मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताती हूँ किस तरह से आप कॉपी राइडी करेंगे. ठीक है, कॉपी पे सबका हो गया ना क्वेश्चन आंसर MCQs, उसके बाद ये जुमले होंगे. चले आइए बोर्ड की तरफ. जी स्टूडेंट्स, अपने कॉपी राइडी कर ली अपनी जी. अब देखें आप किस तरह से ब्लॉक बनाएंगे. ऊपर अल्फाज और जुमले, जुमले का जो पोर्शन होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा. ठीक है, और अल्फाज का छोटा होगा. ठीक है, सबसे पहले नंबर वन है बाघ. जी जुमला बनाइए बाघ का. क्या बनाएंगे आप? मैं अब्बू के साथ बाघ की सैर को गई. मैं अब्बू के साथ बाघ की सैर को गया. या मेरे घर के पास एक बहुत बड़ा बाग है ना. बहुत सारे जुमले होते हैं तो बहुत अच्छा सा आप भी जुमला बनाएंगे नीट एंड क्लीन राइटिंग में. इसके बाद नंबर टू है छुट्टी. छुट्टी के दिन क्या करते हैं आप? छुट्टी के दिन हम सब घूमने जाते हैं. छुट्टी के दिन मैं अम्मी अब्बू के साथ अपना वक्त गुजारती हूँ. नंबर थ्री है आराम. ठीक है, आराम, हमें बड़ों के आराम का ख्याल रखना चाहिए. ये तो मैं बना रही हूँ लेकिन आप अपनी तरफ से भी जुमला बना सकते हैं. ठीक है, नंबर फोर है सामान. सामान का बनाइए. हम लोग बहुत सारा सामान लेकर बाघ की सैर को गए, या सामान लेकर समंदर की सैर को गए, या मेरे घर में बहुत सारा सामान है ना. कोई भी जुमला बन सकता है. तो जुमला ये सामान का हो गया. नंबर फाइव दोस्ती. दोस्ती का बनाइए. जी आयशा से मेरी बहुत पक्की दोस्ती है. आप अपनी मर्जी से भी बना लें कोई भी बहुत अच्छा सा जुमला. मगरिब के बाद मैं स्कूल का काम करती हूँ. ठीक है, मैं मगरिब की नमाज़ पढ़कर अपना होमवर्क करती हूँ. बहुत सारे जुमले बनते हैं तो बहुत नीट एंड क्लीन राइटिंग में आप अपने जुमले बनाइएगा. ठीक है, और अपना वर्क सारा कंप्लीट करें, ऑनलाइन भी करें. चलें अब डायरी की तरफ आएं. जी क्लास, ये आपकी डायरी है उर्दू की. ठीक है, न्यू बुक पेज नंबर 23. पेज नंबर 23 पे मैं आपने जी क्लास, ये आपकी डायरी है नोट बुक पेज नंबर 123. यानी कि 123 पे जो आपकी खाली जगह मैंने करवाई है वो करिएगा.
और लैंड एंड राइट अल्फाज जुमले, बाग की सैर, बाग की सैर के बहुत क्लीन एंड क्लीन राइटिंग में जुमले बनाएंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह।